Financial Headlines, brought to you by SnapZed Universe. Hello and welcome to today's financial report. सोने की कीमत नाजुक प्रमुख एनएफपी सर्विसेज पीएमआई डेटा के आगे दिख रही है। सोने की कीमत 1930.00 से ऊपर लगती है क्योंकि अमेरिकी श्रम बाजार बना हुआ है जबकि वेतन वृद्धि धीमी है। जानेट येलन ने फिच द्वारा अमेरिकी सरकार की दीर्घकालिक क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करने को पूरी तरह से अनुचित बताया। अमेरिकी सेवा पीएमआई मासिक फैक्ट्री ऑर्डर और साप्ताहिक बेरोजगार डेटा का इंतजार कर रहे हैं। जीबीपी यूएसडी 1.2700 के आसपास कई दिनों के न्यूनतम स्तर को ताजा करने के प्रति संवेदनशील बना हुआ है क्योंकि केबल के लिए तैयार है। नवीनतम निष्क्रियता के बावजूद जीबीपी यूएसडी बियर्स 3 सप्ताह के निचले स्तर पर काबिज है। बोईस की 0.25% और 0.50% दर वृद्धि के बीच अनिर्णय केबल व्यापारियों को हाल ही में हाशिए पर रखता है। ब्रिटेन में मंदी की आशंका, अमेरिकी डॉलर को लेकर तेजी का रुझान और मजबूत पैदावार का पाउंड स्टर्लिंग की कीमत पर असर पड़ रहा है। यूएस आईएसएम सर्विसेज पीएमआई शुक्रवार के एनएफपी के सुराग भी स्पष्ट दिशा निर्देशों पर नजर रखते हैं। यूएसडी 100 दिवसीय एसएमए के निकट कमजोर प्रतीत होता है। यूएस डॉलर के मजबूत होने पर 1.09025 क्षेत्र के आसपास। ईयूआर यूएसडी लगातार चौथे दिन रक्षात्मक स्थिति में है और कई सप्ताह के न्यूनतम स्तर के करीब है। फेड द्वारा अधिक दरों में बढ़ोतरी का दाव यूएस डॉलर को कमजोर कर रहा है और जोड़ी पर दबाव बढ़ा रहा है। ईयूआर यूएसडी मंदी के पक्ष में झुकी हुई लगती है और आगे के नुकसान की संभावनाओं का समर्थन करती है। एयूडी यूएसडी 0.6500 अंक के करीब वापस आ गया अमेरिकी डेटा से पहले मजबूत यूएस डॉलर के कारण। एयूडी यूएसडी लगातार तीसरे दिन नीचे चला गया और जून की शुरुआत के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर चला गया। फेड द्वारा अधिक दरों में बढ़ोतरी का दाव अमेरिकी डॉलर को कमजोर कर रहा है और नीचे की ओर दबाव डाल रहा है। एयूडी यूएसडी तकनीकी व्यवस्था मंदी का पक्ष लेती है और अतिरिक्त नुकसान की संभावनाओं का समर्थन करती है। Today's markets outlet. On behalf of all of us here, we wish you a productive trading day.